जैन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका केमिस्ट क्लासेस की वीडियो लेक्चर में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर्स में ऑनलाइन जो क्लासेस बंद हो गई, प्रैक्टिकल तौर से हम क्लासरूम में नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए उसको जो अपने एजुकेशन को अपनी टीचिंग मेथड को जोड़े रखने के लिए आप लोगों की रीडिंग एजुकेशन कंटिन्यू चलती रही। आप वीडियो लेक्चर देखकर इसके बारे में समझ सकते हो। जो भी टॉपिक समझना होता है तो हम जो बिफोर वीडियो हम डाल रहे हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे वो आइसोमेरिज्म है, जो 11th और 12th दोनों क्लास का कॉमन टॉपिक है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, कॉमन टॉपिक है। तो उस कॉमन टॉपिक में हम 11th और 12th दोनों में आइसोमेरिज्म यूज होती है। तो फर्स्ट क्या है आइसोमेरिज्म, हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ओनली कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओनली कंपाउंड में क्या होगा? सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन वन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती, उसका रीजन क्या है? कंपाउंड हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। डेफिनेशन, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मीन्स द ओनली कंपाउंड हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट कॉन्फिगरेशन और डिफरेंट स्पाइटल अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब कार्बन टेट्रावेलेंसी, तो इसमें फोर ग्रुप एड होते हैं, फोर ग्रुप ABCD मान कोई भी ग्रुप एड होते हैं। तो इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती, इनका अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप है, इन ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं या स्पाइटल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, जो हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस है उसमें इसका अरेंजमेंट डिफरेंट आता है, तो दैट नोन एज आइसोमेरिज्म। मेन डेफिनेशन क्या लिखनी होती? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या स्पाइरल अरेंजमेंट और स्पाइरल अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, दैट नोन एज आइसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। द फॉर्म्स आर नोन आइसोमर्स, जो फॉर्म्स बनेंगे उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैव ए टू टाइप, जो आइसोमेरिज्म हैव ए टू टाइप। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है। विच आर सिक्स टाइप, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड साइड चेन।
साइड चेन आइसोमेल, डिफरेंट आइसोमेल एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री टू टाइप. फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म टू टाइप, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. तो आइसोमेरिज्म इन 11th एंड 12th क्लास वी कैन डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम 11th 12th का जो सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लेसन्स होते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं. तो आइसोमेरिज्म मीन्स क्या हो गया, सिमिलर फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट कॉन्फिगरेशन. डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होता है, उसके बेस पर हम उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, प्रोसेस नोन एज आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट क्या है, आइसोमेरिज्म आर टू टाइप. फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इट मीन्स इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी. इसमें स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी. चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शन टोटोमेरिज्म एंड साइड चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंट कॉन्फिगरेशनल ओरिएंटेशन, इनका जो कॉन्फिगरेशन ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप डिफरेंट होता है. तो इच आर टू टाइप, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन. फिर कॉन्फिगरेशन को फिर डिवाइड करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो फर्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर आइसोमर्स इज चेन आइसोमेर. चेन आइसोमेर, चेन आइसोमेर, चेन आइसोमेरिज्म मीन्स क्या है, ओवनी कंपाउंड हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शन ग्रुप. ओवनी कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शन ग्रुप बट डिफरेंट इन चेन. ओवनी कंपाउंड हैव ए डिफरेंट सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सिमिलर फंक्शन ग्रुप. ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट इन चेन स्ट्रक्चर, मतलब हैव ए डिफरेंट चेन्स ऑफ द स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंट चेन्स होगी. एज एग्जाम्पल डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ए सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड फंक्शन ग्रुप बट डिफरेंट इन चेन ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट चेन्स आएगी, चेन्स मीन्स उसमें डिफरेंट ब्रांचेज आ जाएगी, सब्सटेंस ग्रुप्स आ जाएंगे. एज एग्जाम्पल एल्किन, हम सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एल्किन से. एल्किन का जनरल फार्मूला क्या है, सी एन, ये जनरल फार्मूला. एन इज इक्वल टू फोर, तो सी फोर एस टेन जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर सी एस थ्री, सी एस टू, सी एस टू, सी एस टू, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन. सेकेंड स्ट्रक्चर सी एस थ्री, अब इसमें इसमें कोई चेन नहीं है, कोई ब्रांच नहीं, इसमें वन ब्रांच आ गए, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन. नेक्स्ट है एन इज इक्वल टू फाइव, सी फाइव एस ट्वेल्व, सी फाइव एस ट्वेल्व. अब इसमें क्या होगा, सी एस थ्री, सी एस टू, सी एस टू, सी एस टू, सी एस थ्री, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर सी एस थ्री सी एच, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं, इसमें वन ब्रांच आ गई. नेक्स्ट है सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री, इट मीन्स नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन हो गए. वन टू थ्री, थ्री स्ट्रक्चर आइसोमर हो गए. फर्स्ट में कोई ब्रांच नहीं, कोई सब्सटेंस ग्रुप नहीं, सेकंड में वन है, थर्ड में टू आ गए. नेक्स्ट है आप एल्कीन, एल्कीन, एल्किन कहते हैं जनरल फार्मूला सी एन एस ट्वेल, ये होता है ई एल्किन. एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू फाइव.
एन इज इक्वल टू फाइव या फोर कर लो, सी फोर एच एट, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एच, सी एस थ्री सी एस थ्री सी डबल नॉर्मल एंड वन ब्यूटीन आईसो ब्यूटीन आईसो ब्यूटीन वन ब्यूटीन आईसो दोनों बोथ आर स्ट्रक्चर आइसोमेटर चेन आइसोमेटर, दोनों में चेन चेंज हो गई, जो स्ट्रक्चर बनता है चेन उसमें डिफरेंट आ गया। जैसे एन इज इक्वल टू फाइव सी फाइव एस टेन पेंटीन होता है, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू नॉर्मल पेंटीन नॉर्मल पेंटीन आईसो पेंटीन आईसो पेंटीन नॉर्मल पेंटीन आईसो पेंटीन। नेक्स्ट देखो एन एग्जाम्पल एल्को सी एन एस टू एन प्लस वन ओ एच ये होता है, एन इज इक्वल टू थ्री करते हैं सी थ्री एस सेवन ओ एच सी थ्री एस सेवन ओ एच, इस मीन्स क्या हो गया फंक्शन ग्रुप सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस ओ एच नॉर्मल प्रोफाइल है नॉर्मल प्रोफाइल देन सेकेंड सी एस थ्री सी एच ओ एच आइसो प्रोफाइल एल आइसो प्रोफाइल टू स्ट्रक्चर हो गया नॉर्मल हो गया और आइसो प्रोफाइल हो गया, दोनों चेन आइसोमर्स में हो गए, फंक्शन ग्रुप सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, चेन की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, इसलिए नेक्स्ट सी फोर एस नाइन ओ एच ब्यूटाइल एल्कोहल सी एस टू सी एस टू सी एस टू ओ एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू ओ एच सी एस थ्री सी एस थ्री ओ एच, तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए। हम डिस्कशन सब स्टार्ट किया आइसोमेजर, तो आइसोमेजर मीन्स ओनली कंपाउंड है सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज विच आर डिफरेंट स्ट्रक्चर इन चेन एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के साथ ग्रुप अटैच है उनका क्या है कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, दैट नोन एज आइसोमेरिज्म, दीज फॉर्म्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म आर टू टाइप, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, इसके सिक्स टाइप होते हैं चेन आइसोमेरिज्म पोजिशन आइसोमेरिज्म फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म और साइड चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन टू टाइप होंगे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप डिफरेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे से हम चेन आइसोमेरिज्म में एनी एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एज एग्जांपल मान लो हम एल्कोहल के स्थान पर एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्कोहल के स्थान पर क्या ले रहे हैं एल्किल हैलाइड, ये एल्कोहल है, इसके स्थान पर हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड आरएक्स आरएक्स ले लिया एन बराबर सी थ्री एस सेवन सी एन, तो वो इसको रिप्लेस कर देंगे वही नॉर्मल प्रोफाइल क्लोराइड हो जाएगा नॉर्मल आइसो प्रोफाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल देकर हम चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म नेक्स्ट आइसोमेरिज्म सेकेंड
पोजिशन बैट्समैन, पोजिशन, पोजिशन मीन्स क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल फार्मूला, फार्मूला सेम फंक्शन ग्रुप, फंक्शन बट डिफरेंट, डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, फंक्शन डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप की पोजिशन डिफरेंट हो। एज एग्जाम्पल एल्किन, एल्किन एन इज इक्वल टू फोर सी फोर एच एट सी एस थ्री सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस थ्री वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन, फंक्शन ग्रुप सेम हो गया डबल बॉन्ड, लेकिन पहले पहली स्ट्रक्चर में क्या है वन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड वन पोजिशन पे, सेकेंड में टू ब्यूटीन सेकेंड पोजिशन पे। ऐसे ही जैसे एल्कोन सी एन एस टू एन प्लस वन ओ एच, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप सेम है, जैसे सी थ्री एस सेवन ओ एच तो सी एस थ्री सी एस टू ओ एच ओ एच, तो वन प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल, तो ओ एच फंक्शन ग्रुप सेम है लेकिन उनकी पोजिशन चेंज हो गई। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड सी एन एस वन प्लस एक्स तो सी थ्री एस सेवन बी आर तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू बी आर सी एस टू सी एस थ्री बी आर, यहाँ क्या वन टू थ्री वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन, ऐसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल मतलब फंक्शन ग्रुप सेम रहेगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल एमीन सी एन एस टू एन प्लस वन एन एस टू, ये एमीन तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एन एस टू सी एस थ्री एन एस टू सी एस थ्री प्रोपेन वन एमीन प्रोपेन टू एमीन, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप सेम है लेकिन पोजिशन क्या हो गई चेंज हो गई। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या है, ओगली कंपाउंड हैव ए सेम फंक्शन ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेंज इन द पोजिशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप, जो ओगली कंपाउंड लेंगे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा फंक्शन ग्रुप सेम होगा लेकिन क्या होगा ओगली कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप की पोजिशन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। इस चीज को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल एल्किन से स्टार्ट कर सकते हैं, एल्किन से इसमें फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है इससे स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। एल्कोन, एल्कोन में क्या है सी थ्री एस सेवन ओ एच वन प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल तो ओ एच ग्रुप की पोजीशन चेंज हो चुकी, ओ एच ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई चेंज हो गई। ऐसे एल्किल हैलाइड वन ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन तो ब्रोमिन पहले वन नंबर कार्बन पे फिर सेकेंड में सेकेंड नंबर कार्बन पे चला गया तो फंक्शन ग्रुप जो ब्रोमीन था ब्रोमाइड था उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इस तरह से उसको हम पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। जैसे एमीन प्रोपेन वन एमीन प्रोपेन टू एमीन तो प्रोपेन टू एमीन का मतलब ये टू नंबर कार्बन पे ये वन नंबर कार्बन पे, इस तरह से पोजीशन आइसोमर का अर्थ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसमें फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स
हम चेन आइसोमर में शो करते हैं, डिफरेंट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोल, एल्कोल, एल्किल हैलाइड, एमीन, ऐसे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हुए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जैसे चेन की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, फंक्शन ग्रुप की डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स।